डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे मुंबई शहर की, मुंबई शहर की व्यवस्था की। व्यवस्था है वो सुव्यवस्था है या दुर्व्यवस्था है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो महत्वपूर्ण अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हरीश भांदिरगे जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ हैं हमारे अपने मेहमान अनिल गिलगली जी, प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात हमने कहा कि मुंबई की व्यवस्था सुव्यवस्था या दुर्व्यवस्था, चूंकि प्रशासन तो व्यवस्था सुव्यवस्था में ही तब्दील करना चाहता होगा, करता है या नहीं, यही प्रश्न है। अनिल जी, जरी मरी अंधेरी कुर्ला रोड के जरी मरी की आपने कल कुछ तस्वीरें डाली, उससे पहले हमने डाली थी, उससे पहले कई और लोग उस रास्ते पर पड़ने वाले अनगिनत खड्डों की तस्वीरें डाल चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को उस विषय के प्रति आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये क्या कारण है? हरीश जी, आपने आप तो उस 164 विभाग से आते हैं, आप खुद भी देख रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, तो ये कब सुधरेगी स्थिति? आज मुंबई की स्थिति ऐसे है कि आज खड्डों में रास्ते हैं या रास्तों में खड्डा है, ये आम जनता को तय करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और आज जब भी आम जनता रास्ते से जाती है तो उनको ऐसे लगता है कि हम ऊंट पे बैठे हैं या घोड़े पे बैठे हैं। आज सही में सब जवान से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग परेशान हैं, और वो परेशानी के वजह से आज बहुत जनता में आज आक्रोश है, क्योंकि इतना हजारों करोड़ का महानगर पालिका का बजट है रास्ता का, रोड के लिए, तो वो बजट कहाँ पे जाता है? हमारे जो आयुक्त है महाशय, उन्होंने कहा कि गए महीने में कि पूरा खड्डे मुक्त मुंबई हो चुकी है, लेकिन आज अगर आप रास्तों पे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप रास्ते में खड्डे हैं कि खड्डे में रास्ता है। अरे जी, दो बातें हैं, या तो ये एक छोटा सा उदाहरण, पूरे मुंबई का भी हम मुंबई के बारे में नहीं अगर बता पाए तो एक जो कुछ हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इससे आप अंदाजा लगाइए, ये एक रास्ते का हाल है। तो या तो ये अंधेरी कुर्ला रोड का जरीमरी का जो पट्टा हम सागबाग से लेकर और सफ़ेद पुल, जरीमरी, कमानी तक के जिस रास्ते का हम थोड़े से विजुअल्स दिखा रहे हैं, या तो ये मुंबई शहर में है नहीं, या फिर ये मुंबई शहर का हिस्सा है तो आयुक्त को उसके बारे में ज्ञान नहीं, जैसा कि हरीश जी ने कहा कि खड्डा मुक्त मुंबई कर दिया है। तो ये क्या है, दोनों विरोधाभासी नहीं है क्या? ये विजुअल्स कुछ कह रहे हैं, आयुक्त कुछ कह रहे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से दावा तो किया जाता है, लेकिन हर बारिश के पहले जिस तरह से गड्ढों को भरने के लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, बजट में प्रावधान करते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर अधिकारियों की लापरवाही से आज मुंबई कोई गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। कुर्ला अंधेरी का रोड इतना महत्वपूर्ण रोड है, वहाँ पर लगकर एयरपोर्ट है और ईस्टर्न और वेस्टर्न को जोड़ने वाला भी एक सुलभ मार्ग है। हर बारिश के पहले यहाँ के गड्ढों को भरने के लिए हमने पैसे तो खर्च किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें क्वालिटी नहीं थी या ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज बैल बाजार से लेकर जरीमरी तक करीब 200 गड्ढे तो आपको आसानी से दिख जाएंगे। अगर आप उस यूजल को देख रहे हैं, उसमें बेस्ट की बस भी कहीं ना कहीं तो डोलायमान बन के जा रही है, यानी एक बड़ी बस की अवस्था है, तो जो ऑटो, बाइक और गाड़ियों की क्या स्थिति होगी? अनिल जी, बस, ट्रक, टैंकर, डंपर, इनके अगल बगल से रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले गुजरने से घबराते हैं, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनके अगल बगल से गुजरने के से इसलिए घबराते हैं, एक तो ट्रैफिक होती है, दूसरे इनके पलट जाने का भय भी होता है, तो उसे क्रॉस करके आगे भी जाने में लोगों को डर लगता है कि कहीं इन गड्ढों की वजह से ये घबराए नहीं। ये आंखों देखा है, आप और हम साथ आते हैं, हमने अक्सर देखा है ऐसी स्थिति है। हरीश जी, तो क्या ये स्थिति मुंबई शहर के अनेक ठिकानों की है, तो कारण क्या है कि मुंबई महानगर पालिका, देखिए बारिश जून में आएगी ये तय है, एक हर चार महीने के बाद फिर जो 8 महीने होते हैं कार्य करने की, तब क्यों आराम किया जाता है, क्यों वही आखिरी सप्ताह में जाकर और फिर पैचअप वर्क किया जाता है जो पहली बारिश में फिर जस का तस हो जाता है, ये क्या स्थिति है, क्यों होती है? कहूंगा कि हर साल, जैसे मेरे सहयोगी मित्र अनिल जी ने कहा कि हर साल दावे किए जाते हैं कि खड्डे मुक्त मुंबई, हमारे महापौर हमेशा
हर साल बोलते हैं कि हमने खड्डा मुक्त मुंबई कर दिया है, लेकिन आप सही बोल रहे हो कि बारिश चालू होने के बाद ही क्यों ये खड्डा भरने का काम चालू होता है, पहले क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको पैसा खाना होता है, पैसे खाने से ही आज मैं बोलना नहीं चाहता किसका क्या चल रहा है और किसका नहीं चल रहा है, लेकिन ये जनता जनार्दन है, सब जानती है, और इसका नतीजा 2022 के आने वाले चुनाव में जनता बैठ के साथ इनको देने वाली है। अनिल जी, क्या ये इस तरह के मुद्दे स्थानीय स्तर पर प्रभावी होते हैं या फिर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में ठंडी के मौसम में मस्त इलेक्शन होंगे तो लोगों को ये खड्डे नहीं याद होंगे, ये बारिश नहीं याद होगी, ये परेशानी नहीं याद होगी? देखिए, मनपा के चुनाव में तो हम स्थानिक मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं, सड़क, पानी और बिजली। आज मुंबई की स्थिति काफ़ी नाजुक है, जिस तरह से दो दिनों से बारिश गिर रही है, लैंडस्लाइड हो रहे, लोगों की जाने जा रही है, कहीं ना कहीं तो अव्यवस्था के लिए हम देखा जाए तो मुंबई महापालिका को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए माना जाता है क्योंकि हमेशा मुंबई महानगरपालिका ये मुंबई को चलाने वाली एजेंसी है, चाहे MMRDA और म्हाडा, ये अलग एजेंसी है। कहीं ना कहीं जो राजनीति के चलते MMRDA ने बीच में कुछ दिनों के लिए मुंबई के कुछ सड़कों को अपने हैंडओवर लिया था और बाद में उनको भी पता चला कि मुंबई को चलाना इतना आसान नहीं है, फिर एक बार वो 13 के 13 सड़कें, अन्य सारी परियोजनाएं, चाहे सांताकुच चेंबूर लिंक रोड हो, JVLR हो, सभी के सभी जो फ्लाईओवर और जो नई नई सड़कें उन्होंने महानगरपालिका को हैंडओवर की है। इतना ही नहीं है, जो ईस्टर्न फ्रीवे है उसे भी उन्होंने महानगरपालिका को हैंडओवर किया है। तो आज महानगरपालिका की जिम्मेदारी बनती है और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले चुनाव में भी हम देखा है कि लोगों ने अलग अलग पार्टियों को चुनना ज़्यादा पसंद किया है, जो पार्टियाँ शिवसेना पिछले 20-22 सालों से 25 सालों से सत्ता में है, कहीं ना कहीं जो सत्ता में होते हैं उन्हें से नुकसान उठाना पड़ता है। और निश्चित तौर पर म्यूनसिपालिटी के चुनाव में गटर, नालियाँ, सड़क, सबसे बड़ा मुद्दा मिट्टी नदी का भी होगा और जो अलग अलग जो अव्यवस्था है उस पर चर्चा भी होगी और घमासान भी निश्चित तौर पर होगा। हरीश जी, पिछली बारिश में ये देखा गया कि मीठी नदी का पानी एक हफ्ते तक, जब पहली बारिश आई है मीठी नदी का पानी भरा है, नदी का पानी निकलने में बड़ी दिक्कतें हुई और कई कई दिनों तक उसमें पानी की स्थिति वही रही। उसकी सफाई हो, सारे नाले उससे जोड़ दिए गए हैं, उनकी सफाई हो, आपके पास अक्टूबर से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मौसम मानसून के माने जाते हैं, अक्टूबर तक भी कभी कभी आ जाती है बारिश, लेकिन अक्टूबर से लेकर मई तक के जो 8 हफ्ते होते हैं इनमें काम, यही सब तो काम होते हैं ना महानगर पालिका के, कॉरपोरेशन के दौरान डामर के और थोड़े से पैचवर्क कर देने से, हैवी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, छोटी गाड़ियां गुजरने से भी वो डामर छोड़ देता है और फिर रास्ते पर वही स्थिति बन जाती है। तो ये अक्टूबर से मई तक काम न करने के पीछे की क्या वजह होती है? ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होता। नहीं, 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 मैं वापिस वही कहूंगा कि अगर अक्टूबर से आप बोल रहे हो कि फरवरी मार्च तक करना है या मई तक करना है, तो इनका मई तक का इसलिए समय देते हैं, इनका इनका जो बोलते हैं ना वो किस्सा गर्म कैसा होगा ना, तो फिर यानी कहीं आरोप दिख रहा है वो, और लोग देख रहे हैं, हर साल वैसे ही किया जाता है। और एक जानकारी बताऊंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी मुझे बोलते हैं आजकल जो युवा वर्ग है उनमें स्पाइन का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, स्पाइन जो होता है ना, ये खड्डों के वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बाइक चलाते हैं। तो मेरे पास ऐसे कम से कम 8-10 मेरे इलाके के नमूने हैं, मतलब ये है, मतलब पेशेंट है जो यंग है और उनको स्पाइन का प्रॉब्लम बाइक चलाने, ये खड्डों के वजह से चालू हो गया है। अनिल जी, ये तो आने वाले दिनों में एक युवा पीढ़ी को शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर, ये देखिए खड्डे सिर्फ खड्डे नहीं है, इस पर सफर करने वाले यात्री भी सफर करते हैं, सफर अंग्रेजी वाला हिंदी, हिंदी वाला सफर भी और अंग्रेजी वाला सफर भी। तो ये ऐसी स्थिति अगर आ जाएगी अनिल जी, तो मुंबई शहर की तो पूरी युवा पीढ़ी एक तरह से जो स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह से चलती है अपने ईंधन बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए, और ये स्थिति तब है जब एक तरह से आभासी लॉकडाउन लगा हुआ है, कम लोगों को निकलना है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऐसी स्थिति है तब भी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की सड़कों की हालत है, जो एजेंसियाँ होती है कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करते हैं उनमें अनुभव की भी कमी होती है, और जब इस तरह के काम होते हैं चाहे उन्होंने बारिश के पहले किया बाद में किए, अगर वहाँ पर मॉनिटरिंग ठीक तरह से होगी, अगर वहाँ का जो अधिकारी उस साइट पर खड़ा होकर उनके क्वालिटी को चेक करेगा तो निश्चित तौर पर इस तरह के खड्डे बार बार नहीं होंगे। जैसे जरीमरी का मैं रोड की बात कर रहा था, कुर्लांदी रोड की, 2 साल पहले वो सड़क बनाई गई थी,
अच्छी तरह से उसको डामरीकरण किया गया था, हम लोगों ने भी उसकी तारीफ की कि अच्छी सड़क बनी है, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सड़क में बड़े बड़े गड्ढे गिरे। अरे कहीं ना कहीं तो उन लोगों को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए जिनको हमने लाखों और करोड़ रुपए उस सड़क मरम्मत के लिए दिए या सड़क बनाने के लिए दिए। कहीं ना कहीं तो ये मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से या जब काम चलता है तो अधिकारी वहाँ पर उपस्थित न होने की वजह से कॉन्ट्रेक्टर अपनी मनमानी करते हैं और उस मनमानी का नतीजा एक गड्ढों में परावर्तित होता है। देखिए, मुंबई महानगर पालिका पर सीधे सीधे उंगली उठाने की बात नहीं है, बात है एक अगर मुंबई महानगर पालिका इस कार्य को सही तरीके से करती है तो आपका मार्गदर्शन आपको बताया जा सकता है, समस्याएं बताई जा सकती हैं, अगर आप समाधान निकालते हैं तो आपकी तारीफ भी होती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे जनता जनार्दन को तकलीफ होती है तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उस तरह के भी उठेंगे जैसा हरीश जी ने उठाया, सवाल वैसे भी उठेंगे जैसे अनिल गलगली जी ने उठाया। और तो एक बोलना चाहूंगा मैं जी हरीश जी, क्योंकि जो इसके टेंडर निकलते हैं खास करके महानगर पालिका के रोड्स के, तो बिलो आपको यकीन नहीं होगा कि बिलो 30-40% तक जाते हैं। मतलब आप सोचिए, 100 रुपये का काम अगर आप 60-70 रुपये में करोगे, वो कैसा, वो कॉन्ट्रैक्टर को परवड़ता कैसा है? तो एक क्यों टेंडर क्यों दिया जाता है उनको? दो फिर बिलो अगर 30-40% अगर जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा ही नहीं है, तो ऐसे टेंडर दे के ये सही में भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, ऐसा मेरा पूरा दावा है। जी वही हमने कहा कि जो जिस जो बात हरीश जी कहना चाह रहे हैं दबे छुपे लफ्जों में, आखिर खुलकर उन्हें कहना पड़ा कि इन मामलों में भ्रष्टाचार हावी होता है। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश आम जनता और आम वोटर जो अंतिम पंक्ति का है वो तो बेचारा लगाने से रहा, लगा सकते हैं अधिकारी ही, और अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है जिससे इन तमाम परेशानियों से मुंबई वासियों को राहत मिले। ये मात्र एक जगह का नहीं, ये पूरे मुंबई शहर का हाल है। पूरे मुंबई शहर में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम नागरी आपूर्ति करने में अक्षम माने जाएंगे, और इसके लिए मुंबई महानगर पालिका का से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जाएगा। अनिल जी, चलते चलते क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अभी महानगर पालिका को अपनी एक प्रक्रिया बदलनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पर इस तरह की सड़कें हैं, क्योंकि आज मुंबई में हमने पूरी तरह CCTV से लबालब कर दिया है, आप CCTV से भी मॉनिटरिंग कर सकते हो कि एक्चुअल क्या काम चल रहा है, और अगर जो साइट इंजीनियर होता है अगर उसने दिन में एक बार भी जाकर साइट पर जो मटेरियल है, जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है, जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहा है, अगर उसकी थोड़ी भी उन्होंने जाँच भी की तो निश्चित तौर पर इस तरह की सड़कें बनने के बाद वो गड्ढे से मुक्त भी होगी, और कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका का जी प्रतिमा मलिमी कलंकित हो रही है, बदनाम हो रही है, उससे हम कहीं ना कहीं तो बच पाएंगे। हरीश जी, आप क्या कहेंगे चलते चलते? मैं इतना ही, जो सत्ताधारी है महानगर पालिका में उनको इतना ही कहूँगा कि अपने जो अंतर मन होता है हर एक आदमी का, अंतर मन से पूछिए कि आप जो कर रहे हो, आप हमेशा बोलते हो खड्डा मुक्त हो गया है मुंबई, और यहाँ खड्डा मुक्त हमने किया है या नहीं किया है? आप जरा रास्ते पे उतरिए और देखिए, और बाद में आप बोलिए कि मुंबई खड्डा मुक्त है, रोड में खड्डे हैं या खड्डे में रोड है। जी ये बड़ी बात कही है कि अधिकारियों को अपने मातहत कर्मचारियों के रिपोर्ट पर नहीं बल्कि सड़कों पर उतर कर खुद देखने की ज़रूरत है, और अगर आप उतरेंगे तो आप भी मुंबई शहर में ही यात्रा करते हैं, कहीं बाहर आप रहकर काम नहीं कर रहे हैं। उन शहरों की क्या स्थिति होगी अगर मुंबई शहर जैसी ये स्थिति है, एक आदर्श माना जाता है जो शहर, और जिसकी महानगर पालिका का बजट ये माना जाता है कि कई राज्यों से बड़ा है, अगर वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं उन नागरिक सुविधाओं से, तो उनकी नाराज़गी जायज़ है। उनकी नाराज़गी जायज़ होते होने के साथ साथ ये भी है, उनकी नाराज़गी को दूर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मुंबई महानगर पालिका पर हम टॉस करते हैं, छोड़ जाते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति बदलती है, और फिर अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो ऐसे कई हरीश बांदिरगे जी, ऐसे कई अनिल गलगली जी आपको सच सामने लाकर आपको बिल्कुल आपके जितने दावे हैं उसे खोखला साबित करने के लिए खड़े होंगे। फिलहाल के लिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। BMC अधिकारियों से निवेदन है, इस कार्यक्रम के जरिए देखें, विजुअल्स लें, हम चाहें तो आपको विजुअल्स उपलब्ध कराएंगे, आप देखें वहाँ के मार्ग, अपने अधिकारियों को निर्देशित करें और सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। जनता आपकी अपनी है, कहीं
ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई हुई है। फिलहाल इससे जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहें तो आप DRV न्यूज़ के माध्यम से मनपा अधिकारियों को भी दे सकते हैं, आप चाहें तो हरीश बादिरगे जी और उनके साथियों को दे सकते हैं, नीलगल गली जी तक पहुँचाना चाहें तब भी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हरीश बांदेरगे जी आपका और अनिल गगली जी आपका शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर ऐसे जनहित से जुड़े हुए विषयों पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें DRV न्यूज़। जय हिंद।